हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, बोला नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है आपके पास 98.6 फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बात करेंगे कन्वर्जन की, किसका, टेम्परेचर का कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर हमने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिया 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, सेल्सियस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे डिग्री सेल्सियस में। मैंने पुट कर दिया 20। अब देखो 9/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 4 20, यहाँ पे 4 × 9 आ गया। 4 × 9 जब हमने किया तो हमारे पास आया 36। 36 को प्लस कर देंगे 32 में तो हमारे पास आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट बात करेंगे डिग्री सेल्सियस टू चेंज इन केल्विन। ठीक है, केल्विन में चेंज करना है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन टेम्परेचर। जो भी हमारे पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी होगी उसको हम 273 में ऐड कर देंगे और हमारे पास केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बोला कन्वर्ट टू केल्विन, क्या करेंगे 40 को हम 273 में ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन, जस्ट लाइक 313 केल्विन की तरह। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।